पानीपत में व्यापारी राजकुमार आहूजा वर्सेस पानीपत पुलिस मामला फिर गर्मा गया है। पानीपत के एसपी के मीडिया को जानकारी देने कि राजकुमार आहूजा और उनके बेटों पर पंजाब में भी मामला दर्ज है और सीआईए 2 की कार्रवाई को एसपी ने जायज ठहराया, तो राजकुमार आहूजा ने अपने पिता और वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी पर गंभीर आरोप लगाए कि व्यापार में लेन देन के एक मामले को कैसे पुलिस ने क्रिमिनल बनाकर उसे 3 दिन तक टॉर्चर किया, उसे 10 इंजरीज आई। सबसे बड़ी बात, एक व्यापारी परिवार की इज्जत को पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। साक्ष्य और तथ्य ये हैं, उन्होंने पहले बोला कि ये बैंक से एनपीए हैं, बैंक से धोखाधड़ी कर रहे हैं, बैंक को ये गुमराह कर रहे हैं, जबकि पंजाब नेशनल बैंक से मेरी सीसी लिमिट है, लोन है, उसका सेटिस्फैक्ट्री लेटर तक मैं लेके आया हूँ। जब बैंक में उसको सेटिस्फैक्ट्री लेटर दे रहा है तो मैं कहाँ से किसी को भ्रमित कर रहा हूँ या कहाँ किसी को गुमराह कर रहा हूँ। दरअसल इस मामले में पानीपत की सीजीएम कोर्ट ने एसपी को सीआईए 2 के प्रभारी समेत स्टाफ के साथ और कर्मचारियों को भी सस्पेंड करने के आदेश दिए थे, पर एसपी ने सीआईए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर पीड़ित का पिता और वकील गृह मंत्री अनिल विज से मिले। मंत्री ने एसपी को आदेश दिए कि 8ों को सस्पेंड करो। बुधवार को पीड़ित राजकुमार आहूजा, उनके पिता और वकील ने एसपी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए। नहीं, वरिष्ठ अधिकारी एसपी साहब ने, क्योंकि यही पटना बिहार के, इन्होंने पूरी फेवर की, उनकी पूरी फेवर की है। उस फेवर के आधार पे जो निचले स्तर के कार्य, जो ये निचले स्तर के पुलिस कर्मी है, सीआईए 2 का नाम ले रहा हूँ या एक इकोनॉमी सेल के सुभाष जी हैं उनका नाम ले रहा हूँ, अब उन्होंने इनके कहने पे, अपने अफसर के कहने पे हमारे को प्रताड़ित तो किया। व्यापारी राजकुमार आहूजा ने सीआईए पर गंभीर आरोप ये भी लगाए कि उसकी सीआईए हिरासत के दौरान उसने देखा कि कैसे रोजाना वहां लाखों रुपए की वसूली आती थी। मैं 2 दिन वहां रहा हूं, 2 दिन के अंदर मैंने वहां के अंदर नरक देखा है। कभी किसी दिन 20 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं वो लोग, गिनते हैं आपस में। 8 तारीख वाले दिन रात को वहां पर 20 लाख रुपए की उगराई की गई है उनको। किसी को मार के, किसी के घर से 50,000 मंगाते हैं, किसी से 1 लाख रुपए मंगाते हैं, किसी से 2 लाख मंगाते हैं, अज्ञात रखते हैं। 9 तारीख की रात को 53 लाख 54 लाख रुपए वहां मंगाए गए हैं। क्यों आखिर ऐसा क्या किया जा रहा है? क्या व्यापारी ने गुनाह किया है? व्यापारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोपों पर एसपी का ये जवाब, मंत्री ने 8 सस्पेंड करने के आदेश दिए, एसपी ने 4 को ही सस्पेंड किया। मैंने पहले भी बताया था, इसकी जांच चल रही है और निष्पक्ष जांच चल रही है। जैसी जांच में जो भी सबूत आएंगे उसके खिलाफ उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। गृह मंत्री जी के आदेश से जो कर्मचारी जिनके एफआईआर में नाम थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। 8 लोग सर, 4 लोग का नाम जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें 4 लोगों का नाम था, तो उन 4 लोगों का नाम सस्पेंशन कर दिया गया। सुरक्षा की मांग की है सर, अन्य थे जिनको जो थ्रेट असेसमेंट करा लेंगे, जैसे सुरक्षा होगी कर लेंगे। ये मामला कई सवाल छोड़ जाता है। क्या यही पुलिस का असली चेहरा है? सरकार पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। जांच में पाया गया अगले कंपनी के कहने से मर्डर हुआ, उसके बाद भी कंपनी का अधिकारी को उठाया और उस कंपनी से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। और एसपी ने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी। मुख्य उसके बाद में गृह मंत्री के पास गया 2 बार, गृह मंत्री ने कहा अभी ये क्या कर रहे हो आप, उसके बाद भी नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है कि हर एक थाने में सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और वह बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। क्या ऐसा हमारा सीआईए स्टाफ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है कि किसी के कोई भी कैमरे में नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ मेन मोटिव क्या है कि अपने भ्रष्ट ऑफिसरों को बचाने का। अगर पुलिस संवेदनशील ही नहीं है या ये आरोप सही है तो सरकार जी माफ करना। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।